वो तो कोरोना की वजह से ऐसा है कि ऑनलाइन पेपर की वजह से मेरी डिग्री आ गई हाथ में। तो मैंने 16 मार्च से कोर्स ज्वाइन किया था 21 से, और कॉलेज से ज्यादा मेहनत इसमें करी है क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना था। जो भी मेरी रैंक आई है शरद सर की वजह से ही आई है, शरद सर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। चलिए एक और नए टॉपर से मिलते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 252 है। वैभव नाम है जो कि हरियाणा से है और इनको एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले तो वैभव, एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और वैभव के बारे में बता दूं कि वैभव जो है ड्रॉपर है और इनका मैथ्स काफी वीक था, पर इन्होंने बहुत मेहनत की, पढ़ाई को लेकर भी बहुत सिंसियर नहीं थे पर उस सिंसियरिटी को भी दिखाया। तो वैभव मैं चाहूंगा जो आपकी इंटायर जर्नी, जैसे आपके फैमिली मेंबर बोलते हैं आपने उससे कुछ अपोजिट कर दिखाया, तो आपकी जो इंटायर जर्नी वो बताएं और किस तरह से आपने इस साल प्रिपरेशन की वो बताएं। एक्चुअली मैं जैसे ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लियर कर रहा था तो जैसे बाहर जाने का शौक था तो मैं बाहर चला गया, मतलब अपने सिटी से दूर चला गया था पढ़ने का, हाँ कि शौक है। लेकिन जब मैंने कॉलेज शुरू किया तो पता नहीं मुझे वहाँ की हवा लगी या क्या था, मैं मतलब पढ़ाई की तरफ मेरा बहुत कम था बड़ा, उस वजह से मेरी बैकलॉग्स भी काफ़ी आई हैं इसमें कॉलेज में। तो वो तो कोरोना की वजह से ऐसा है कि ऑनलाइन पेपर की वजह से मेरी डिग्री आ गई हाथ में। तो मतलब 2021 में ही, मार्च 2021 में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। तो एक मेरा क्लासमेट था सागर रावल, तो उसने मुझे इसके बारे में बताया। वो उसने 21 में एग्ज़ाम दिया था तो मैंने सर से बात करी, फिर सर ने कहा कि ले लो। तो मैंने 16 मार्च से कोर्स ज्वाइन किया था 21 से, और तब से मैंने कंसिस्टेंसी पूरी रखी थी। जो भी मेरी रैंक आई है शरद सर की वजह से ही आई है। शरद सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, कभी किसी भी चीज़ में कहीं दिक्कत नहीं आने दी। जो भी मैथ में कराते हैं वो अपने आप डाउट सोल्व होते रहते हैं, पैनिक कभी मत कभी नहीं हुआ। जैसे एक क्लास में नहीं आया, दूसरी में नहीं आया, तो आखिरी टॉपिक ख़त्म होने तक वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी वजह यही जितनी भी रैंक आई है इन्हीं की वजह से, जो मैं अपने आपको तो कुछ समझ ही नहीं रहा कि ये रैंक मेरी तरफ से आई है। मेहनत हाँ वो मैंने करी है, मैंने कॉलेज से ज़्यादा मेहनत इसमें करी है क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना था। मुझे कोरोना का मतलब कोरोना टाइम में ही समझ आएगी कुछ फ्यूचर में आगे करना है। तो जो भी हुआ शरद सर की, शरद सर को थैंक यू सर। थैंक यू वैभव। देखिए वैभव ने अभी जो बात बोली कि आप में से कई लोग कई बार ग्रेजुएशन बिगड़ जाता है, बैक लग जाते हैं, सब हुआ इसके साथ, और कोविड के ऑनलाइन एग्जाम के वैसे भी जो हुआ वो ठीक है, पर देखिए आज आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र मिला, अब ये सब पास खत्म हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक अच्छी सक्सेस, एक अच्छी जर्नी, एक अच्छा डिसीजन इंटायर लाइफ को चेंज करता है। वैभव के साथ यही हुआ, फैमिली में सभी को लगता था कि वैभव का क्या होगा आगे, क्योंकि बड़ी सिस्टर इनकी पीएचडी कर रही है, सब घर में अच्छा कर रहे हैं, तो वैभव को लेके बहुत टेंशन थी। पर मैं बता दूं कि वैभव भी घर में हो सकता आने वाले दिनों में सबसे अच्छा कुछ कर पाए। तो वैभव आप उन बच्चों को स्पेशली जो कई बार जिनका ट्रैक चेंज हो जाता है, जैसे आपने बोला कि हवा लग गई, या जो जिनकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है या मस्ती में निकल जाते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो ये नहीं बता सकते, पर जो सिंसियर नहीं होते और वो जब सिंसियर होते हैं, जैसे आपने एक साल मेहनत की उसी का नतीजा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब तुम अपना जब भी जो भी चीज़ करो ना उसमें अपना माइंड सेट क्लियर रखो कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, गिव अप उस चीज़ के लिए कभी मत करना। जो तुमने सोच रखा है ना कि मैंने, मतलब जितना जल्दी तुम सोच लोगे कि हमने फ्यूचर में ये चीज़ करनी है, हमें इस मुकाम पे हासिल करना है हमने को, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तुम्हें आगे कभी खुद को अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ लेट सोची या पहले सोची। और गिव अप किसी भी चीज़ में मत करना। मैंने अभी थोड़े दिन पहले कोट पढ़ा, इफ़ यू गिव अप इट मीन्स यू नेवर वॉन्टेड इट। मतलब गिव अप मत करना, जो तुम्हें चाहिए ना उस चीज़ के लिए तुम जुट जाओ पूरा। बिल्कुल सही बात बोली। अब आप मुझे बताओ आप अपने जूनियर्स को और क्या मैसेज देना चाहोगे, और आपका आगे ड्रीम क्या? अब तो आपको मिल गया एनआईटी कुरुक्षेत्र, अभी तक आपने कॉलेज में तो इतना सोचा नहीं था, अब क्या सोचते हो आप अपने जीवन को लेके और आपके आगे ड्रीम क्या है? सबसे पहले मैं जूनियर को यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी अपनी पूरी रखना। सर के ऊपर अंधा विश्वास कर सकते हो तो पूरा करना, क्योंकि सर आपको हर सिचुएशन में अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट होते हैं उन्हें पूरा अच्छी तरह, मॉक टेस्ट इतना मतलब आप तुम कोई छोड़ भी दोगे ना तो वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसका एनालिसिस तुम बहुत अच्छे से करना। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी रैंक में, रैंक को इस हासिल करने के लिए, कोई भी एनआईटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मॉक टेस्ट है। बड़े मॉक टेस्ट अगर तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो और उसका एनालिसिस कर रहे हो तो बहुत तुम अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में। और फ्यूचर के लिए सर बस इतना ही है कि जो पेरेंट्स मुझे ये कहते थे कि मतलब उनके मेरी बैग मेरी ही गलती की वजह से उन्हें ये लगता था कि मैं कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, बस उनके लिए या मुझे हासिल करना, मेरा खुद का तो एक अचीव होता है लेकिन सबसे पहले मुझे उन्हीं की लाइफ को अपने इम्प्रूव करना है।
बिल्कुल सही बात बोली वैभव आपने, आप ऐसे ही करिए जो आप सोचते हैं। देखिए अब आपने अपने आप को एक सक्सेस के बाद अब आपको ट्रैक मिल गया, अब आपको ट्रैक पे ही आगे बढ़ना है। अभी अच्छे से आप एमसीए करो, अच्छा पॉइंटर स्कोर करो, क्योंकि अब आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना, तब अच्छा पॉइंटर स्कोर करो, अच्छा प्लेसमेंट लो, और जो आपके घर वालों को, क्योंकि देखिए घर वाले ऐसा नहीं होता कि बच्चों के साथ नहीं होते, पर वो जो देख रहे होते हैं उससे उनके अंदर डर होता है। तो क्योंकि आपकी गाड़ी ट्रैक से उतरी थी इसलिए उन्होंने भरोसा आप पे थोड़ा कम हो गया था, पर अब भरोसा आपने जीत लिया है, इस भरोसे को बनाए रखो। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू।